अगर आप एक टीचर हैं और अभी लॉकडाउन के समय में अपने घर बैठे और अपने स्टूडेंट से जो कि आप उसे पढ़ा रहे हैं या फिर आप लोग उसका ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हो कि वो अभी तक मैंने उसे जो पढ़ाया है वो कितना जानता है, तो अभी लॉकडाउन के समय में आप लोग टेस्ट कैसे ले सकते हैं, आप लोग कैसे उसका क्विज टेस्ट ले सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग क्विज बना सकते हैं और उसका ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। या फिर अगर आप लोग करंट अफेयर या फिर कुछ भी यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये एप्लीकेशन। इसमें क्या करना होगा, आपको क्विज़ बनाना है और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वहाँ पे एक टाइमर लगा के और वहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो अगर आप एक टीचर के रूप में हर स्टूडेंट को ऐसा टेस्ट का जो फॉर्मेट होता है उसको भेज के आप लोग उससे ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पे सर्च करना है क्विज़ मेकर, जो कि मैंने सर्च किया है। यहाँ पे दूसरा नंबर जो इंटरफेस का दिखेगा क्विज़ मेकर का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा क्विज़ मेकर क्रिएट क्विज़ क्वेश्चनरी एंड टेस्ट, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे आना है और आने के बाद आपको एक क्रिएशन दिख रहा होगा, क्रिएशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके जो प्रोजेक्ट जो भी आप टेस्ट लेना चाहते हो जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो वो यहाँ पे लिख देना है, लिख के क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस खुलेगा वो इस प्रकार का होगा। आप चाहो तो कोई यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हो जो भी सब्जेक्ट से अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो उसका। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका क्वेश्चनरी का टॉपिक है वह यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी हो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो लेवल ऑफ नॉलेज है, तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ नॉलेज है वह डिफाइन कर सकते हो, इजी नॉर्मल डिफिकल्ट एक्सपर्ट, यहाँ पे उस हिसाब से आप लोग भर सकते हो, ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री इस प्रकार से आप लोग चाहो तो वहाँ पे भर सकते हो। और जो ये था उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, कंजंक्स का, ग्रामर, वोकैबुलरी, जियोलॉजी या जो भी हो आप लोग यहाँ से देख के सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका गिव और डिस्क्रिप्शन टू योर क्वेश्चनरी, आप लोग यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जिस बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ है चूज अ स्कोरिंग पॉलिसी, आप लोग यहाँ पे स्कोरिंग पॉलिसी दिखा रहा है उसमें से कोई चूज कर सकते हो। इच ट्रू आंसर एड 1 पॉइंट, इच ट्रू आंसर एड 1 पॉइंट, इच फॉल्स आंसर सब्ट्रैक्ट 1 पॉइंट, जो भी हो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इच ट्रू आंसर एड 1 पॉइंट, और इतना करने के बाद आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपका टोटल क्वेश्चंस जो है, आप लोग टोटल कितने क्वेश्चंस यहाँ पे रखना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे एडिट करके उतना क्वेश्चंस का नंबर दे सकते हो। और उतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली जो और सारे जो चीज़ हैं रैंडम मोड इनेबल है उसको कर सकते हो, इसका ड्यूरेशन जो है उसको बढ़ा सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, करेक्शन दिखा सकते हो। इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोग ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर सकते हो, तो जो भी आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिख सक अब यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन देना चाहते हो यहाँ पे सिंपली दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है और जो हम लोगों को क्वेश्चन देना है वह यहाँ पे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया है। अब आप लोग को यहाँ पे आंसर देना होगा, तो आंसर में आप लोग क्या करोगे, जो भी आंसर देना चाहते हो जो भी ऑप्शन देना चाहते हो उसको यहाँ पे ऐड करोगे। तो जैसे मैं पहला ऑप्शन जो है वह दे रहा हूँ अमित शाह, इसके बाद जो आंसर यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद ऐड एन आंसर पे क्लिक करके फिर जो दूसरा ऑप्शन है आप लोग यहाँ पे दे सकते हो नरेंद्र मोदी, दूसरा आंसर भी यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद जो और ऑप्शन ऐड करना चाहते हो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करके राहुल गांधी, फिर आपको यहाँ ऐड एन आंसर पे क्लिक करना है। आप लोग चार चाहे दो जो भी मन करे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो, मनमोहन सिंह। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप लोग जो करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पे वहाँ पे आपको टिक कर देना है
इससे क्या होगा कि जो भी करेक्ट आंसर होगा वो अगर टिक करते हैं तो यही सही होगा, और जो गलत होगा उस पर पॉइंट नहीं मिलेंगे। और ये जो आप लोग करेक्ट आंसर जिस पर टिक किए हो, अगर वही सही है उस पर स्टूडेंट आपका टिक करता है तो उसको एक पॉइंट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ऐड अ कमेंट है, यहाँ पे जो आप आंसर दे रहे हो उसके बारे में लिखना चाहते हो, बताना चाहते हो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिख के कमेंट दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन तो आपका हो गया, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड अ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐसे ही करके यहाँ पे आप बना सकते हो। इतना करने के बाद जो हम लोग का क्वेश्चन है वो बन के तैयार हो गया। यहाँ पे 1 मिनट का टाइमर मैंने लगाया था, तो देख रहे हैं यहाँ पे आप ऊपर में टाइमर चल रहा होगा। अब इतने देर में हमको हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। चारों ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और मैं यहाँ राहुल गांधी पे क्लिक करता हूँ तो जब इसको मैं फिनिश करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो मेरा स्कोर है वह 0 है, क्योंकि यह गलत आंसर था। लेकिन वही अगर मैं नरेंद्र मोदी पे टिक करता तो वो मेरा सही आंसर हो जाता। तो ऐसे ही करके अगर आप टेस्ट लेते हो तो ऐसे करके जब टेस्ट लोगे आप, तो जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा उसको पॉइंट मिलेगा, और नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट चाहे तो उसको यहाँ से लीव भी कर सकता है, और यहाँ पर अपना जो बना सकता है स्कोर और वहाँ पे शेयर कर सकता है। अब इसको आपको क्या करना है, जब सब कुछ आप कर लो तो यहाँ पे आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद जो आपने टेस्ट तैयार किया है उसको यहाँ पे क्लिक करके शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप इसको जहाँ पे भी भेजना चाहते हो उसको भेज देना, और व्हाट्सएप पर भेज दो या फिर जो भी स्टूडेंट का मैसेंजर हो, या डायरेक्ट मैसेज आप चाहो तो भेज सकते हो कुछ भी, या फिर आप इसका एक कॉपी बना के आप किसी को दे सकते हो। तो ये बहुत ही इजी है, यहाँ से आप क्यूज़ बना के आप लोग ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ और क्या है कि जो भी स्टूडेंट होगा उसको भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, तभी वो इसको यहाँ पर खोल के और फिर आपके जो भी टेस्ट आप लेंगे उसका आंसर दे पाएगा। तो इतना अगर वो कर सकता है तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं और अपने स्टूडेंट को देख सकते हैं कि कितना स्कोर कर पाता है, या फिर आपने जो भी उसे पढ़ाया हुआ है उसमें कितना कर पाया।